तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। निशंक ने कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास कार्य हो रहा है। पूर्व सीएम निशंक ने कहा 2014 से पहले देश में हताश और निराशा का माहौल था, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का माहौल बदला। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शहबाज हुसैन ने। इसमें लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लगातार बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रही है और दो साल की मोदी जी की उपलब्धियां गिना रही है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो साल की उपलब्धियां गिनाई मोदी जी की, क्या कुछ? नहीं देखिए, हम तो 10 साल में मोदी जी ने क्या क्या किया उन लोगों के सामने है, हम तो केवल याद दिला रहे हैं, बाकी तो लोग देख रहे हैं। चाहे सड़कों की अवस्था अपने कहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्गों का है, चाहे वो हवाई मार्गों का है, चाहे वो जल विद्युत परियोजनाओं का है, विभिन्न क्षेत्रों में जो काम हुए हैं और देश नेशनल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की ख्याति बढ़ी है, जो सम्मान बढ़ा है, तो उसे आज और जो अंतिम छोर पर बैठे रहने वाला व्यक्ति गरीब उसकी चिंता की है, उसके घर की चिंता की है, उसके शौचालय की तक चिंता की, उसके भोजन की चिंता की, उसके पेंशन की चिंता की, तो जो अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति की जो चिंता हुई है और पूरी दुनिया में भारत का जो सशक्त आर्थिक प्रबंधन से लेकर के और विदेश नीति से लेकर जो चीजें हुई हैं, उससे लोगों में लगता है कि इतने कम समय में भारत को ऊंचाइयां दी हैं, तो तीसरी बार आपकी बार मोदी सरकार बननी ही बननी है और अब की बात 400 पार होना ही होना। त्रिवेंद्र जी को इस समय हरिद्वार से उम्मीदवार बनाया है और मैं 2 बार से वहां पर सांसद था। इस समय क्योंकि वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इस समय पार्टी के वो चुनाव लड़ रहे हैं, हम हरिद्वार सीट को 5 लाख मतों से भी ज्यादा से जीतेंगे। सर, कैंडिडेट ने क्या मेहनत नहीं करी है? आप मोदी जी के 2 साल की उपलब्धियां को लेकर जा रहे हैं, अभी जनता के बीच में अपने उपलब्धियां भी गिनाई गई, सारी उपलब्धियां गिनाई गई, बहुत उपलब्धियां हैं, इतनी उपलब्धियां हैं, लोगों को हमको गिनाने की जरूरत नहीं, लोग देख रहे हैं, तभी तो सारी की सारी पार्टियां छोड़ छोड़ करके बीजेपी में आ रही है, वो देख रहे हैं, आम व्यक्ति बीजेपी से जुड़ रहा है क्योंकि हमने काम किया है, हमने बोला कम है, रिजल्ट ज्यादा दिया। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन्होंने विभिन्न मुद्दों पर लोकसभा चुनाव के लिए अपनी बात रखी। अपने सहयोगी अंजीत के साथ मैं शाहबाज हुसैन।